नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। सुनील भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है भैया। हम कल इस स्लाइड को डिस्कस जी कर भैया, रहे तो हम लोगों ने लेक्चर 10 और 11 के बाद अभ्यास 2 के फर्दर स्टेप्स को ध्यान देना समझना शुरू किया था। तो अभ्यास 2 में बेसिकली मैं द्वारा शरीर को ऑब्जर्व कर रहे, यानी कि चैतन्य द्वारा जड़ को देखने समझने का काम कर रहे हैं। उसके स्टेप 1 में हमने मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग देखने का अभ्यास किया। स्टेप 2 में हमने मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया, और उसमें दिखा कि जो भी आदान प्रदान है मात्र सूचना है, इसमें कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं हो रहा है। स्टेप 3 में फिर हमने इस बात को देखा कि इसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ या शरीर ले रहा है। तो पता चला कि निर्णय तो मैं ही लेता हूँ। अब स्टेप 4 में ये चीज देख रहे हैं कि मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है, तो संवेदना को समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि जो भी संवेदनाओं को मैं पढ़ रहा हूँ है ना, वो है क्या, कहाँ है, मुझ में है, मुझसे बाहर है। तो इन प्रश्नों को सामने रखकर किया था, क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। तो इसको लेकर यदि किन्हीं का कोई ऑब्जर्वेशन आया हो, कोई प्रश्न रखना चाहते हो कि क्या हम अपने आप को संवेदना से भिन्न, संवेदना से दूर देख पा रहे क्या, अगर नहीं देख पा रहे तो क्या कठिनाई आ रही है, उसके संदर्भ में जो भी प्रश्न बनते हों उसको आप यहाँ रख सकते हैं, इस पे बात हो सकती है। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। ये जो जी हमारा, नमस्ते। जी हमारा अभ्यास जो है, इसको तो भैया कर रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब मैं संवेदना में हूँ या संवेदना मुझ में है, या आपने इससे पिछले वाले सेशन में, मॉर्निंग सेशन में बताया था कि कोई भी स्टेप, जैसे हाथ उठाना है या कोई काम करना है, उसको स्लो करके भी हम देखेंगे। लेकिन वो चीज ठीक है भैया, ऑब्जर्वेशन के क्रम में यह भी लगा कि जैसे मान लीजिए कि शरीर रेस्ट में है, फिर भी हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो भी, तो लेकिन हम भैया अभी ये नहीं कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है। तो इसमें कहां मेरे में क्या प्रॉब्लम रह गया, या फिर हमको क्या और रिग्रेसली अभ्यास करना पड़ेगा, ये चीज पूछना था जी, भैया। तो मेरे और शरीर के बीच दूरी है उसको देखने में थोड़ा समय लग सकता है, परंतु मेरे और संवेदना के बीच दूरी है इसको हम सहजता से देख सकते हैं। तो यहाँ से काम शुरू करें कि मेरे और संवेदना के बीच दूरी है या नहीं। संवेदना मुझ में ही है, मेरी ही कोई क्रिया है या मुझसे बाहर है। तो यहाँ जी से शुरू भैया करेंगे, धीरे धीरे शरीर को भी देख पाएंगे, फिर हम जी शरीर के भैया एक अंग संवेदना को देख पाते हैं और दिखता है कि हर जी संवेदना मुझसे बाहर है, कुछ शरीर मुझसे बाहर है। जी जी ये भैया तो इस सारे जी ये जो हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, ये तो हम लोग सदियों से सुनते आए हैं, जो मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन वो चीज दिख जाए जो मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा शरीर जीवन के साथ अस्तित्व पूर्वक है, ये चीज फिर अपने मन से बोल देना, वो फिर अपने साथ बेईमानी करना होगा। तो वही है भैया देखिए, अभी ये भी नहीं कह रहे कि मेरा शरीर मेरा नहीं है। इसको मेरा शरीर कह लें, हमारे लिए साधन के लिए वस्तु है, बट मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात ऑब्जर्व करनी जी। और भैया है। ठीक बात है, इसको एकदम से हम कई बार ऐसा हमको लगता है कि हाँ ये बात समझ में आ गई, बट हमसे कम इसको समझा नहीं है। ये तो हमने बाहर कुछ ऑब्जर्व किया है, उससे कुछ विचार किया है, कुछ मान लिया है, बट जब जीने की बारी आती है तो अपने आप को शरीर मान के जीने लगते हैं, है ना। तो ठीक बात है, इसको तो ठीक से ऑब्जर्व करना है। जीने की, और और फिर जी 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 भैया कहिए जी। वही, इसको ठीक से ऑब्जर्व करना है। जितना जितना स्वयं में क्लैरिटी बनेगा, उतना उतना हमारे भाव विचार में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। फिर अपने आप को शरीर मान के विचार ही नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में उसका एक प्रमाण मिलता है कि जब भी हम विचार करते हैं अपने बारे में, तो अपने को शरीर से भिन्न देखते हुए करते हैं, जानते हुए करते हैं। जी भैया, और बहुत सारा शरीर आपको मानकर जीते थे, ये वाला भ्रम तो जब लेवल 1 हम लोग करते हैं उसी में हम लोगों का होता है, उस पर बहुत सारा काम होता है, ध्यान जाता है, लेकिन बहुत सारा बारीकी
ऐसा है जो फिर नहीं हो पाता है। जैसे अब मैंने कई बार आपको बताया था कि अब एक गाना सुनने का अभ्यास है, मतलब अभ्यास है, कहीं यदि कुछ गाना बस गाना मतलब उस तरह का नहीं लेकिन बजता है तो उस पे मेरा ध्यान चला जाता है। हम उसको अभी तक वो नहीं कर पाए हैं कि ये मेरे लिए उपयोगी है अनुपयोगी है, क्यों उपयोगी है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं इस पर ध्यान जाना ठीक नहीं है, तब जबरदस्ती जो है वो तो कर नहीं पा रहे हैं। तो संवेदना में भी उसको जाने का भी जो पुराना एक अभ्यास है उसको वो नहीं हो पा रहा है। वो जो गाना तो ठीक है भैया, अब हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, लेकिन अपने मन में एक पॉजिटिव ये किए हुए हैं कि यदि सही समझ में आ जाए तो जो चीज है जो उपयोगी नहीं है छूट सकता है। जैसे मान लीजिए मांसाहार ही छूट गया ना, तो ये चीज है, लेकिन अभी उसको उतना हम वो नहीं कह पाएंगे। जो कमी हमको अपने में दिखता है उसको आपसे शेयर करने में क्या दिक्कत है, कोई आप दूसरे थोड़े हैं, तो यही है भैया। जी जी बढ़िया, इसको ऑब्जर्व करें स्वयं में। हाँ भैया, एक चीज और पूछना था कि जैसे वो थोड़ा पिछले सेशन का है लेकिन ठीक है, शरीर और स्वयं से सेल्फ से ही संबंधित है कि जब भैया सेल्फ मतलब इस सृष्टि में जो भी सेल्फ है तो वो सेल्फ भिन्न भिन्न है, वो तो भ्रम की स्थिति में ना भिन्न भिन्न है, जब सब सेल्फ समझदार हो जाएगा तब तो सब एक ही जैसा है ना, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भिन्न तो तब भी रहेगा, अलग अलग इकाइयां हैं जी, है ना जी, अलग अलग तरह के विचार चलेंगे। हाँ इतना जरूर है कि विचार के आधार में भाव निश्चित होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि समझने के बाद सभी सेल्फ मिलकर एक सेल्फ बन जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। ना ना मैंने सेल्फ का जो एक स्वभाव धर्म है, जैसे वर्कशॉप में बार बार ध्यान दिलाते रहते हैं कि शुद्ध बुद्ध है जो हमारा सेल्फ है, तो वो तो भ्रमवश हमने अपना कुछ गलत सही का पर्दा डाल दिया है, तो कुछ अन्यथा जो है सो दिख रहा है वास्तविकता से। तो जब समझदार जो सेल्फ होता है तो उसका तो सब चीज एक ही जैसा होता है, या वो भी फिर ह्यूमन टू ह्यूमन अलग अलग होगा या क्या होगा? वही समझ की एक रूपता होगी, आचरण की एक रूपता होगी जी, बट रूप और गुण के साथ निर्वाह करना है उसमें भिन्नता होगी जी, रूप और गुण के साथ। अच्छा, जो एक्सटर्नल फीचर्स जो है उसके साथ निर्वाह में भिन्नता होगी, निर्वाह करेंगे, है ना? जी जी जी। तो आपने कोई घर बनाया उसका नक्शा एक तरह का हो सकता है, हमने कोई घर बनाया उसका नक्शा अलग तरह का हो सकता है। जी जी जी। तो ये हो सकता है, आपके शरीर की बनावट एक प्रकार की है तो एक तरह का भोजन आपको ज्यादा सूट करता है, मेरे शरीर की बनावट दूसरे प्रकार की है ये दूसरे तरह का भोजन सूट करता है। तो ये वेरिएशन रूप और गुण हो सकता है, परंतु भाव समझ इसमें एक रूपता होगी। जैसे भैया एक इसको छोटा सा एग्जांपल से कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम लोग गए तो बहुत जगह पर पैर छूने को सम्मान मानते हैं, बहुत जगह पर हैंडशेक करने को सम्मान मानते हैं, तो यदि सम्मान में समझ में आ गया तो उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट तरह से हो सकता है, ये आप ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। अच्छा जी। और भैया बस मैं अधिक समय नहीं लूंगी, एक छोटा सा प्रश्न है, ये भी पीछे ही सेशन का है कि मान लीजिए भैया मुझे समझ नहीं थी तो जंगल को काट करके जहाँ पर फ्लैट बनाया गया वहां पर मैंने घर खरीद लिया, तो अब तो इसमें तो कहीं ना कहीं मेरे ना समझी से या कुछ भी से तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इसमें मेरी भागीदारी हो गई, तो इसमें जो है सो इसका परिमार्जन हम कैसे कर सकते हैं? वही तो, वापस जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए हम जहां भी अवसर मिलेगा काम करेंगे, तो एक सीमा तक तो ये होगा ही, क्योंकि जब आबादी कम थी तो कहीं मनुष्य रह रहे थे कहीं जंगल थे, अब आबादी बढ़ रही है तो जंगल जहाँ पे है वहीं पे जाके हमको रहना होगा, बट उसके साथ हमको ये देखना होगा कि प्रकृति में संतुलन बना रहे, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो लगाएं भी, एक पेड़ काट रहे हैं तो चार पेड़ लगा दें जहाँ अवसर मिल रहा है कि नहीं। पशु पक्षियों को अगर हम वहां से हटा रहे हैं, सुन लीजिए, पशु पक्षियों को वहां से हटा रहे हैं तो उनके लिए हम एक वापस उनको एक हैबिटेट देने का, एक आवास देने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे। जी तो भैया उसमें तो एक हम लोग ये भी मान्यता बना लिए है ना, अब हम लोग गांव में शुद्ध वातावरण छोड़ करके और बहुत सारा चीज को इग्नोर करके और फिर हम लोग मान्यता बना लिए कि हम दिल्ली में ही रहेंगे, बेंगलोर में ही रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, पैसा वाला बन जाएंगे, तो जो बड़ा बड़ा सिटी है मेट्रो मेगा सिटी उस पर आबादी का दबाव बहुत बढ़ रहा है ना, तो इस पर भी तो हमें जी इस पर को इसको भी तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ऐसा अगर हम समाज की व्यवस्था को देख पाते हैं, मानव लक्ष्य को समझ पाते हैं, उसके अनुरूप हम पांचों आयाम में ठीक से काम कर पाते हैं, तो धीरे धीरे ये होगा कि हम जहां भी रह रहे होंगे न्यायपूर्वक जी रहे होंगे, व्यवस्था पूर्वक जी रहे होंगे, शासित पूर्वक जी रहे होंगे। तभी जो पलायन का बहुत सारा कारण है उसमें या तो हमारे शरीर की आवश्यकता जहाँ रह रहे हैं वहां पूरी नहीं हो पा रही, या जो बाहर से अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव पाकर जीने का अभ्यास है वो पूरा नहीं हो पा रहा,
है ना, या फिर जहाँ पे जी रहे हैं वहाँ पे न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है, उससे निकलने के लिए, विरोध से बचने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसे कई रीजन है। तो जब हम मानवीय व्यवस्था के लिए काम कर रहे होते हैं है ना, इन सारे आयामों पर काम कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उसमें भी गति दिखाई देगी। और भैया बस बस एक छोटा सा ही है, क्योंकि हम हिंदी वाला नहीं सुन रहे थे, कि जैसे मान लीजिए घर में बैठ लीजिए कहीं निश्चिंत होकर बैठ लीजिए है ना, तो बात को भी ध्यान ना भैया वो हाँ ठीक है भैया, ये रुक गए टहल रहे थे ना, तो हाँ तो भैया उसमें एक जैसे घर में है कि ठीक है एसी लगाना जरूरी है, गर्मी बहुत है, तो ठीक अब हमको अपने मन में लग रहा है कि हम बच्चों को तो बहुत भाषण दे देते हैं जो उससे मान लीजिए डिप्लीशन होता है सीएफसी से, या उससे जो है सो पर्यावरण को खतरा है, और हम करें तो एक तो है कि आज टीचर तो हमारी बात बच्चे कैसे सुनेंगे, हमारे जीने में ही अंतर विरोध है, दूसरी बात शरीर के लिए भी वो सही नहीं है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है अभी हमारी इतनी योग्यता नहीं है हम घर को उस बात को ध्यान दिला सके, तो हम ये बात विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि ठीक है मान लीजिए आपके शरीर के लिए एसी सही है, मेरे शरीर के लिए एसी सही नहीं है, तो हम दूसरे कमरे में आराम कर लेंगे, तो ये रहेगा, क्योंकि देखिए संबंध तो इम्पोर्टेंट है, या इसी के लिए झगड़ा तो करेंगे नहीं, घर का माहौल तो खराब नहीं करेंगे कि अब जिदम जिद करेंगे कि आप नहीं लगाइए नहीं लगाइए अपना थोपेंगे, इसमें तो हमको तो एक यही दिख रहा है कि एसी यदि लगा है तो फिर आपके सर, और ये बात भी सही है मेरे शरीर के लिए उतना एसी सही भी नहीं है, तो उतना और बॉडी में तो है होम्योस्टेसिस जो प्रक्रिया है, जो आदमी गर्मी होता है पसीना होता है फिर शरीर ठंडा हो जाता है, तो इसमें क्या कह रहे हैं भैया, इतना तो तत्काल कर सकते हैं विनम्रतापूर्वक कि नहीं ये ठीक नहीं है मेरे शरीर के लिए। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। तो एक तो देखिए ये जो बारीकी से अपने आप को ऑब्जर्व करना है ना, उसको अगर हम कर पाएंगे, इस तरह के सारे प्रश्नों के उत्तर हमें स्वयं से मिल पाते हैं, तो हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहे, एक्सप्रेशन में क्या जाना है वो हम तय कर लेंगे। अगर हम शरीर से मिलने वाली संवेदना के प्रति सजग रहे और उससे सुख पाने की आशा न हो हमारे में, तो हम अपने लिए भी सुविधा का चयन ठीक से कर पाएंगे। जी भैया ये अभ्यास एक और दो को और बारीकी से करें, और साथ में जो पूरी बात रखी जा रही है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम स्वयं से मिल पाते हैं। जी भैया जी बढ़िया दीदी। जी भैया आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया थैंक यू, नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि मैं जैसे एक साल से लगभग अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं किसी पारिवारिक परिस्थिति में था, तो बहुत लो कॉम्पिटेंस लोगों के साथ था, मकान वकान बनवा रहा था अपना, तो उस समय जो प्रभाव था एंगर का वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है ना। तो अभी स्थिति क्या है, अभी जब से जुड़े हैं फिर से प्रभाव में आ गए, तो जब से एक्सरसाइज शुरू करी है, जबकि उस समय भी मैं देख पा रहा था कि शरीर में किसी किसी दिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता था, तो ये लगता था दिखता भी था कि हाँ ये टेम्परेरी है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो उस लूप से बाहर निकल पाते थे है ना। दूसरे के भावों को देखना कि भाई इतना पोजीशन आ रहा है या ये ठीक नहीं है। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि मैं शरीर को अपनी बॉडी की एक एक एक्टिविटीज को चेक कर रहा हूँ कि हाँ जी मेरे लंग्स में इनहेल हो रहा है नाउ, मैं उसको धीरे धीरे एक्सहेल कर रहा हूँ, कहीं मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर संवेदना मुझे मिल रही है, कौन किन बातों को मुझे सुनना है, किस बात को मुझे ध्यान निर्णय पूर्वक नहीं सुनना, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारा निर्णय, जो मैं एक निर्णय बना रहा है, ये निर्णय इतना डेविएट क्यों हो जाता है, बार बार गिर क्यों जाता है, हर समय हम अपने आप को शरीर से भिन्न क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हर समय कभी ना कभी जब हम निर्णय बनाएंगे तब तो हम देख पाएंगे इस चीज को कि हाँ भाई मुझे ध्यान पूर्वक अपनी सारी एक्टिविटीज को चेक करना है, अपनी सारी संवेदनाओं को चेक करना है। जहां आप काम में जो है इन्वॉल्व हुए, अगेन यू विल जस्ट लिव जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी है, आप अपने आप को बॉडी मान के जीने लग जाते हैं। भैया यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि मतलब अपने साथ क्या मतलब दिक्कत चल रही है ये, तो मैं समझ ही रहा हूँ कि अभ्यास का अब है ही इफेक्ट, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे शायद मुझे लगता है ये बात उतनी निर्णय स्ट्रांग होगा, हम बहुत समय तक अपने को और अपने शरीर को देख पाएंगे अलग अलग। लेकिन ये निर्णय भी कौन ले रहा है, निर्णय कैसे बनेगा, ज्यादा स्ट्रांग निर्णय कैसे बनेगा कि हाँ मुझे हर पल हर क्षण इसी में रहना है, ये निर्णय कैसे बनाए।
जी बढ़िया भैया। देखिए हम वही करते हैं जिसमें हमको सुख लगता है, तो निर्णय को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमको सुख का अर्थ जब स्पष्ट होता है कि सही समझ सही भाव सही सुख की निश्चितता है, तो निर्णय उसी अर्थ में बनते जाते हैं। तो अभी हमको निर्णय के लिए अलग से प्रयास इसलिए करना पड़ता है और कई बार जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है अभी हम कुछ मान के चल रहे हैं इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसा आपने बताया कि कुछ समय पहले मकान बनवा रहे थे तो बहुत अपने व्यवहार में भाव में गड़बड़ियां दिखाई दी, फिर वर्कशॉप अटेंड करने लगे, सुबह का सेशन अटेंड करने लगे, एक नए तरह का प्रभाव बन गया। तो प्रभाव में हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि सुख स्वभाव के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। और स्वभाव के रूप में स्थापित क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी जो पहले से हमारे अंदर मान्यताओं या संवेदनाओं का अभ्यास बना हुआ है, उसका दबाव बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं सुख पाने की आशा लगी हुई है। तो हम इसको अपने आप में बारीकी से जांचे समझें। जैसे अभ्यास एक में जो हम लोग काम किए तो अपने भाव के प्रति सजग हुए, उसका मूल्यांकन किए, तो इस भाव के आधार में जो संस्कार हैं उनको देखा और फिर इसमें परिमार्जन के लिए काम किया। उस काम को करेंगे तो वो भाव वाले पक्ष में परिमार्जन दिखने लगेगा। वैसे ही अभ्यास दो में जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसके जो हम अर्थ दे रहे हैं उस पर हम लोग आगे काम करने वाले हैं, तो ये भी काम पूरा हो पाता है। तो जब भी अवसर मिल रहा है हम ना हमको ये दिखाई दे कि इससे ही अगर हमारी गति बननी है, इससे हमें परिमार्जन होना है, तो इसे हम गंभीरता से काम करेंगे। और जो बाकी अन्यत्र स्रोत बन गए हमारे अंदर सुख के, उसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप वर्कशॉप नहीं अटेंड कर रहे, सुबह का सेशन नहीं अटेंड कर रहे, बट सजग तो तब भी रह सकते हैं। तो बाहर से कोई अनुकूल संवेदना आ रही है, आप प्रभावित हो रहे हैं, तो अपने अपने आप में जांच के देख लीजिए कि इस प्रभाव में सुख की निरंतरता है कि नहीं, निश्चितता है कि नहीं, और इससे संबंध का क्या होगा, इससे हमेशा जैसे कोई संवेदना मिली या कोई प्रभाव आया तो उसी समय इस डायलॉग को करना है कि भाई ये जो हमारे को ये सुख मिल रहा है जिससे हमें लग रहा है तत्कालिक सुख है, तो क्या ये एक टेम्पररी रहेगा या परमानेंट है, इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है कि नहीं है, ये अपने से डायलॉग करना है। मतलब जी जी बिल्कुल अपने आप से पूछना है। तो उसके अगर सजग रहेंगे तो मूल्यांकन हो जाएगा। एक तो प्रस्ताव जो हमारे पास है उसको अपने आप में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, जी कर देख रहे होते हैं। दूसरा पूरे समय सजग रहते हैं, तो जब प्रस्ताव हमारे पास है और सजग रहते हैं तो मूल्यांकन भी सहज रूप से होने लगता है। पहले से भी काफी हुआ ही होगा, है ना, और सजगता और बढ़ेगी तो और सहज रूप से मूल्यांकन होगा। तो जब भी किसी संवेदना से प्रभावित हो रहे हैं, जब भी किसी बाहर के किसी व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं, बाहर किसी घटना से प्रभावित हो रहे हैं, उसमें देख लें कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। अगर मुझे इसमें सुख लग रहा है, इसकी निश्चितता है क्या, निरंतरता है क्या, है ना, इसके साथ मेरे शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके साथ संबंधों की क्या स्थिति बनेगी, इसे हम देख लें। तो क्या होता है कि ये जो क्षणिक रूप से बाहर से कोई प्रभाव बनता है ना, उससे हम कई बार जो प्रभावित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, उससे हम निकल पाते हैं। जी भैया बढ़िया। भैया ये भैया बार बार जैसे हमारी गति जो प्रभावित हो जाती है, कुछ ऐसा नहीं है कि जितना हम लोग कर चुके, मान लीजिए अब जैसे इस समय हम बैठे, अब मैंने ये एक्सरसाइज आपने मुझे बताई, मैं कर रहा हूँ, तो हमारे पड़ोस में कुछ बातें हो रही थी थर्सडे, तो आपने कहा कि अपने ऊपर ध्यान दें, है ना, कि किसी भी चीज को हमें सुनना है कि नहीं सुनना, क्या, तो वो निर्णय मेरा था कि मुझे इनकी बातें सुननी है कि नहीं सुननी, मैंने उन्हें छोड़ा और मैं ध्यान लगा के बैठा। ये जो गति है कभी हमें मिली तो एक ये परमानेंटली उतनी पॉइंट पे रुक नहीं सकती, या फिर दोबारा जीरो, फिर अप, फिर जीरो, फिर अप, मतलब ये चलता रहेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखिए परमानेंस तो तभी है जब ब्लॉक B1 में हम एक्टिव हो जाएं, उसके बाद कंटिन्यूटी है, परमानेंस है। उससे पहले तो आपके अंदर उथल पुथल लगी रहेगी, बट ऐसा नहीं कि आप जीरो पहुंच गए। उसमें भी इतना होता है कि हम वापस पुरानी स्थिति में गए, बट फिर भी थोड़ी सजगता तो हमारी बनी हुई है, जो हमने उसका दुख भोगा या सुख भोगा उससे कुछ हमारे अंदर विचार चला, कुछ विश्लेषण हुआ, कुछ हमने स्वयं में जांचा, तो एक बेहतर स्थिति होती है। तो आप पाएंगे कि हमारे अंदर फ्लक्चुएशन, जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, जी जी, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ आता रहता है, एक फ्लक्चुएशन में ग्राफ कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता है, बट आप पाएंगे एक मीन पोजिशन भी होता है। तो फ्लक्चुएशन को तो हम देख पाते हैं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है,
कभी हम बहुत सार्थक विचार कर रहे हैं, कभी बिल्कुल निरर्थक विचार कर रहे हैं, कभी भाव हमारे अंदर संबंध का है, कभी विरोध का है, कभी व्यवस्था कभी अव्यवस्था, कभी अस्तित्व कभी संघर्ष, ये उतार चढ़ाव भाव में विचार में तुमको दिखता है। उसका हम ये भी देख सकते हैं उसका जो मीन पोजिशन है वो राइज कर रहा है। अल्टीमेटली पहले जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ विरोध का भाव आता था अब नहीं आता, जितने सीमा तक चला जाता था विरोध का भाव अब नहीं आता, वैसे जितना हम संवेदना से पहले किसी सीमा के बाहर जाकर प्रभावित हो जाते थे अब उतना नहीं होते, तो मीन पोजिशन भी राइज कर रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन को देखकर कई बार हम परेशान होते हैं कि देखो फ्लक्चुएशन अभी भी चल रहा है और हमें लगता है कि बिल्कुल मतलब एक स्टेबल स्टेट हो जाए, बट आप साथ में ये भी देख सकते हो उसका जो फ्लक्चुएशन का जो मीन पोजिशन है वो राइज कर रहा है, धीरे धीरे हमारी जो सामान्य स्थिति है वो पहले से बेहतर होती जा रही है, इसको भी हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी भैया, जी भैया, जी स्थिति तो देखते हैं कि भैया स्थिति पहले से जब घोर बेहोशी थी उससे तो ठीक ही थी, जितनी भी अव्यवस्था में चले गए, जितनी भी क्रोध में चले गए, क्योंकि वो क्रोध भी दिख जा रहा था कि हाँ ये क्रोध आ रहा है, ये ठीक नहीं है, इस समय ये बात गलत हो रही है, ये भी दिख रहा था, लेकिन वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। कि कुछ लोग मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि उनका कॉम्पिटेंस इतना कम होता है ना, इतना कम होता है आप, मतलब मकान वकान में आपको पता ही है कि बहुत समस्या होती है, तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन बना के हाँ इनके ऊपर चीख दिया जाए बहुत तेजी से, तो इतना तो ऑब्जर्व करेंगे तो हमको उनके साथ संबंध दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हम अपने आप में भी देखें कि अभी हम जो मकान बना रहे हैं इन जनरल है ना, उसको देखें वो शरीर के संरक्षण के अर्थ में है या दूसरे से कोई सम्मान पाने के अर्थ में है या अनुकूल संवेदना के अर्थ में है, है ना, ये भी हम अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे। तो हो सकता है हमने उसको ठीक से समझा ना हो, तो चूंकि हमारे पास कुछ संचित धन है तो हमने उसको लगा दिया अनुकूल संवेदना पाने के लिए, अनुकूल भाव पाने के लिए। अब जो वो मजदूर है वो तो अपने शरीर के संरक्षण के लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं बना पा रहा, अब उसको ये कंपैरिजन तो दिख रहा है और उसके अंदर प्रश्न उठ रहा है कि मेरा घर ऐसा क्यों, इनका घर ऐसा क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका उसको उत्तर भी नहीं मिल पा रहा। तो उसके अंदर हमारे प्रति संबंध का भाव नहीं बनता, उसके अंदर समाज के प्रति व्यवस्था का भाव नहीं बनता, तो उसको लगता है कि भाई मैं यहाँ क्यों काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, पैसे से क्या होगा, मैं अपनी आवश्यकता पूरी करूंगा। और वो भी हो सकता है वहां फंसा हुआ है कि से कोई संवेदना पूरी करूंगा या कोई दूसरे से अनुकूल भाव पाऊंगा, है ना, यहाँ भी फंसा हो सकता है। तो इस सब के साथ वो हमें देख रहा है। अब जब हम उसको कोई काम बताते हैं तो उस पूरे भाव विचार के साथ हमारी बात को सुनता है, उसके अंदर प्रतिक्रिया तैयार होती है, जैसे हमारे अंदर होती रहती है, है ना, उसके अंदर प्रतिक्रिया तैयार होती है। तो अगर हमको ये बात समझ में आए तो कम से कम हम प्रतिक्रिया में नहीं जाएंगे, हमको उसकी स्थिति समझ में आती है। हो सकता है वो पिछले 20 साल 25 साल से इसी तरह से श्रम कर रहा है बट अपने लिए आज तक एक मकान नहीं बना पाया, ठीक है। और कोई व्यक्ति है शहर में बीटेक करके निकला, 45 लाख का 65 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो अगले दिन जाकर फ्लैट खरीद लेता है, तो उसको इसका बहुत अंतर समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा अंतर क्यों है मेरे जीने में इनके जीने में, ऐसा इन्होंने क्या कर लिया जो है ना हम नहीं कर सकते या हम नहीं कर पा रहे, तो ये सारा अंतर उसको भी दिखाई देता है। ये हमको नहीं दिखाई देता कि वो जब हमारी कहने को सुन रहा है तो इस पूरे भाव विचार के साथ सुन रहा है, तो हमारे अंदर उसके प्रति क्रोध आता है, उसको भी हमारे ऊपर क्रोध तो आ रहा है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो जब हमको संबंध दिखाई देता है तो हमको दूसरे की स्थिति भी समझ में आती है और उस स्थिति में हम कैसे दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, पूरक हो सकते हैं, ये भी दिखाई देता है। तो एक काम तो ये करेंगे कि हम अगर अपने लिए कोई सुविधा जुटा रहे हैं तो आवश्यकता को समझ के जुटाएंगे, न कि अनावश्यक। दूसरा, जिनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा संबंध है इस बात को हम देख पाएंगे और उसके साथ हम कुछ योजना कार्यक्रम बना पाएंगे कि नहीं, तो ये बात हमको अगर स्पष्ट होगी ना तो ये जो रिएक्शन हमारे व्यवहार में होते हैं वो नहीं होंगे और दूसरे के अंदर जो हमारे प्रति रिएक्शन होते हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि हमारे व्यवहार से या हमारे सुविधाओं के चयन से या हमारे उन्माद से, उन्माद मतलब कि हम कभी लाभ में इतने ज्यादा उन्माद में चले जाते हैं, भोग में चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं, इन सब से भी अगला व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे प्रति रिएक्शन में आ रहा होता है, हम उससे निकल पाते हैं दूसरे को भी निकाल पाते हैं कि नहीं। जी भैया, अब भैया एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे काम हमारे को ऑफिस में बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो काम जब हम बहुत ज्यादा करते हैं तो उस समय हम इस तरह का मतलब कोई भी शरीर और सेल्फ इसको अलग अलग नहीं देख पाते उस समय, उस समय तो बस काम करना होता है बहुत तेजी से। लेकिन हाँ, अब ये मॉर्निंग सेशन अटेंड करने से ये है कि जो लास्ट में विरोध आता है ना
कि मैं ही क्यों इतना सारा काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस वाले क्यों नहीं कर रहे, मेरे जो सहयोगी हैं उनके पास इतना काम क्यों नहीं है, सारा काम मुझे दे दिया चोटी ने। तो ये थोड़ा सा विरोध खत्म सा हो जाता है, कभी कभी तो आता है लेकिन वो कम हो जाता है उसका, मतलब उसे देख पाते हैं कि भाई अब ये ठीक है, अपना संबंध के भाव के साथ जियो थोड़े दिन तक। तो ये वही शायद ये संबंध का भाव नहीं हुआ। अगर हम जहाँ काम भी कर रहे हैं ना, अगर हम उसको भी ठीक से देखें, तो हमारे पास वहाँ 8 घंटे का समय है या 7 घंटे का समय है, तो 7-8 घंटे में हमारे भागीदारी का अवसर है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगला व्यक्ति कोई कहेगा तभी हम काम करेंगे, हम उस भागीदारी को खुद से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका निर्वाह कर पाते हैं। फिर हमारे पास ये भी अवसर है कि दूसरे व्यक्ति के साथ बैठ के समय और संबंध पे हम चर्चा करते हैं। आप देखे अगर कॉलेज में तो आपके पास तो काफी अवसर है। अगर हम इन सब चीजों को ठीक से अपने आप में देख पाएंगे तो अगला व्यक्ति भी हमारे साथ संबंध में आश्वस्त हो पाता है। तो संबंध का मतलब ये नहीं कि अगला व्यक्ति, अगर हमको लग रहा है दूसरा हमारा शोषण कर रहा है फिर भी हम शोषण को स्वीकारे जाएंगे, नहीं। एक तो शोषण कर रहा है नहीं कर रहा है इसका मूल्यांकन करेंगे, दूसरा वो भी हमारा संबंधी है उसमें भी समझ भाव विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अवसरों पर उनकी जो हमसे अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही, कुछ अवसरों पर हमारी जो अपेक्षा वो पूरी नहीं हो पा रही। तो कॉलेज में तो मैंने देखा है कि अगर हम अपनी भागीदारी को ठीक से समझ पाए, देख पाए और बैठ के आपस में चर्चा कर पाए तो काम ज्यादा नहीं होते हैं। बच्चों को साथ में जोड़ लें के साथ भी हम ठीक से, है ना, क्लास आवर्स के बाद ही बैठ के समझें, उनका डिस्कस करें तो काम ज्यादा नहीं होते, काम बढ़ जाते हैं क्योंकि संबंध का भाव पुष्ट नहीं होता। पूरे संस्थान की व्यवस्था को हम नहीं देख पाते, समझ पाते, चाहे हम नहीं देख पाते या ऊपर के बैठे लोग नहीं देख पाते या नीचे हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग नहीं कर पाते या साथ के लोग नहीं कर पाते, बल्कि समस्या वहाँ है, काम उतना ज्यादा नहीं है, समझ का अभाव ज्यादा है, उसको हमको ठीक से अपने आप में देखने की जरूरत है। जी भैया, धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। ठीक है बात भैया। जी भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, आपके कॉलेज में तो बहुत संभावना है और उसको ठीक से आप एक टीम रूप में मिलकर करेंगे। और अच्छी बात है कि भैया आप बीच में कुछ दिन थोड़ा आपसे संपर्क नहीं बना, वापस आप जुड़ गए हैं, है ना, तो आपके साथ एक अच्छी संभावना बनेगी कॉलेज में भी। जी, तो ये स्टेप 4 को हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं 10 मिनट, उसके बाद फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो इसको हम ऑब्जर्व करें अपने आप में, मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है या नहीं इसको देखना है अगले 10 मिनट में, फिर आगे चर्चा करेंगे। भैया ऑब्जर्वेशन का स्लाइड लगा दीजिएगा। जी बढ़िया, तो इस अभ्यास 2 में हमें संवेदना के प्रति सजगता को बनाए रखना है। अभी आगे जो हम काम करने वाले हैं तो संवेदना को मैं कैसे अर्थ देता हूँ उसको भी अपने आप में देखना है। तो आप इस बात को देख पाते हैं कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, मैं संवेदना से दूर होते हुए संवेदना को पढ़ पाता हूँ। इसको कभी इत्मीनान से करें, है ना, अभी हो सकता है 10 मिनट में बारीकी से हम ना कर पाए, अवसर निकाल कर समय निकाल कर करें, तो आपको अपने और संवेदना के बीच दूरी स्पष्ट होने लगती है। और शरीर के किसी भी अंग को चुन लें और उस अंग में जो संवेदना हो रही इसको देखें। पहले तो ऐसा लग सकता है कि वहां कोई संवेदना नहीं हो रही, फिर आप ध्यान देते हैं तो संवेदना दिखने लगती है, और ध्यान देते हैं उससे अपनी दूरी भी दिखने लगती है, ये दिखने लगता है मुझसे बाहर हो रही है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। तो शरीर के विभिन्न भागों में किसी भी जगह होने वाली संवेदना को मैं अपने अनुसार पढ़ता हूँ और मुझे इसका दूरी दिखाई देती है। इसी को जब मैं पूरे शरीर में देख पाता हूँ कि शरीर के किसी भी अंग पे ध्यान देता हूँ संवेदना है और संवेदना मुझसे दूर है, तो विश्लेषण पूर्वक कह पाता हूँ कि मेरे और शरीर की दूरी है। किसी पॉइंट पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी आ जाता है कि मेरे शरीर की दूरी है, मैं शरीर के साथ हूँ न कि शरीर में हूँ न कि शरीर का हिस्सा हूँ, ये अपने आप में ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, परसों एक स्थिति थी उसके बारे में आप, आवाज कट गई आपकी, अब आ रही है भैया? जी आ रही है भैया। परसों एक ऐसी स्थिति बनी मेरी संवेदनाओं को लेकर
कि पहले जब वैसी अगर संवेदना मतलब वैसी भी नहीं, उसका 1% भी मेरे साथ वैसा कुछ घटता तो मुझे बहुत क्रोध आता और एकदम से रिएक्शन कर लेती थी मैं। जबकि परसों मैं खड़ी रही, स्टेबल हुई और मतलब कल्पना शक्ति में से पॉजिटिव थॉट्स लाती रही, नहीं इस समय बिटिया होती वो ऐसे करती तो मैं क्या करती, या ऐसी कोई स्थिति होती कि समझ नहीं पा रही हूँ जब मैं क्या करती। तो भैया इसमें मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरी स्थिति क्या थी, मैं संवेदना को देख पा रही थी इसलिए रिएक्शन नहीं कर रही थी, या मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी उस स्थिति को। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। तो देखो रिएक्ट नहीं कर रहे तो एक संभावना ये भी है कि समझ पा रहे से रिएक्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि जो घटना घटित हो रही वो समझ मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा हो क्या रहा है। घटना तो भैया हाँ घटना तो बिल्कुल मुझे क्लियर तो हो रही है, वैसा पहले कभी हुआ मतलब उतना नहीं हुआ, 1% में मतलब वर्ड्स में भी हुआ, फिजिकल उसमें नहीं हुआ, जितने भी मैं बहुत क्रोधित हो गई जी जी, और अभी नहीं हो पा रहा था तो अच्छी बात है, अच्छी बात है तो आप क्रोधित नहीं हो रही है, अच्छी बात है तो कुछ अपने आप में गति बनी है और इसको तो आपको स्वयं में ही देखना होगा कि कितनी गति बनी है, क्या गति बनी है, क्या समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी होता है कि किसी प्रभाव में भी हम पहले जैसा आवेशित नहीं हो रहे, जैसे हमने मान लिया कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, वर्कशॉप हाँ। कर रहे हैं फिर भी गुस्सा कर रहे हैं तो गलत बात है हाँ। अब इसको भी हमने गुस्सा नहीं किया, बट ये एक प्रभाव है हाँ। तो दूसरे का इंटेंशन क्लियर हो गया इसलिए गुस्सा हाँ। नहीं किया, ये हम फिर गति कर पा रहे अपने स्वभाव को जान पा रहे। जैसे कल्पना शक्ति तो उस समय भी चल रही भैया, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ मैं अंदर उस एक मिनट में कि नहीं ऐसा होता तो भी मैं गुस्सा करती क्या। जी जी, तो अपने आप में उसको एनालाइज कर सकते हैं, है ना, और उस समय आपकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा था, भाव में क्या था, आप थोड़ी देर बैठ के अपने आप में उसको वापस जाकर, है ना, एक बार देखने का प्रयास करिए कि उस समय जो आपके सामने घटना हुई उससे जो आपके अंदर भाव बना वह भाव क्या था हाँ। जो रिएक्शन पहले हो रहा था वो नहीं हुआ उसके आधार में भाव क्या था, विचार क्या था, किसी मान्यता के आधार पर ऐसा हुआ या समझ के आधार पर हुआ, उसको अपने आप में देखें। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया जी। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, संवेदनाओं को तो हम बहुत अच्छी तरह सेल्फ में और बॉडी में जो डिफरेंस है उसका रिएक्शन नजर आ रहा है, और सेल्फ उसमें एंजॉय कर रहा है, ये भी जो हम बच्चों को पढ़ाते थे वो मेरे को कल रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में है क्या कि सेल्फ कितना बॉडी को एंजॉय कर रहा है, वो सीयर भी है डूअर भी है। पर सर ये अभ्यास से ही हुआ, पर स्थिति फिर दोबारा जैसे अभी पहले भी चर्चा में आई, सर भी बोल रहे थे मेरे से पहले और मैम भी, कि वो स्थिति दोबारा दोबारा बन रही है कि वो संवेदनाओं में फिर जा रहा है। तो ये एक स्थिति ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक ऐसा संवेदनाओं को कंट्रोल में करने का, या फिर वो बॉडी में है सारी, जैसे दिन में बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं घटती हैं तो वो उसमें भी वो टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम उस चीज को देखें, मतलब कि पार्टिसिपेशन में कहीं हम सजग तो हो रहे हैं पर कहीं पर ज्यादा सजगता बहुत ज्यादा जरूरी हो रही है और उसमें कंट्राडिक्शन बहुत हो रही है भाई सेल्फ में और मेरे सेल्फ में ही हो रही है। तो उसको भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कई बार घबराहट भी होने लग जाती है कि हम इतनी जल्दबाजी में ये जो अजम्पशंस हम लोगों ने बना रखी है वो हमारे लिए सेल्फ के लिए भी अच्छी नहीं है और बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो ये स्थिति जरा कितनी देर तक रह सकती है, या फिर हमें कुछ ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज के लिए। भाई देखिए अभ्यास का अर्थ भी थोड़ा समझ लें हम लोग, अभ्यास किसी कल्पनाशीलता को बनाए रखने का अभ्यास नहीं है, वो भी एक कंडीशनिंग हो जाती है। जो जी। अभी हम लोग सुबह ना जो शेयरिंग हुई जो प्रश्न है उसमें भी अभ्यास शब्द का जो प्रयोग हुआ उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो अभ्यास का मतलब है कि देखने का अभ्यास, जांचने का अभ्यास। अगर हम अपने आप में किसी निर्णय को बनाए रखने का अभ्यास कर रहे हैं तो कंडीशनिंग है वो,
उससे काम नहीं चलेगा और उसको अवॉइड करें और ना करें तो बेहतर है। हम देखें संबंध को, देखें व्यवस्था को, देखें बजाय से कि हम अपनी स्थिति को एक प्रकार से बनाए रखने का कुछ अभ्यास करें, उससे कुछ निकलेगा नहीं। तो जी, एक बात तो ये है। दूसरी बात कि अभी हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगे अपने आप से कि हमने कुछ वर्कशॉप कर लिए, कुछ सेशंस कर लिए। देखिए अगर इतनी जल्दी मानव में ट्रांसफॉर्मेशन होता तो समाज की ऐसी दशा नहीं होती, इतनी समस्याएं नहीं होती। तो समय तो लगता है, बट जो समय भी लगता है वो बेसिकली हमारे अपने एक तरह से कहे मान्यताओं का जो अभ्यास है उसके कारण ही लगता है ना। हम जो ठहर जाते हैं, नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो उसको ठीक से ऑब्जर्व करके मूल्यांकित करने की जरूरत है। तो उसमें एक जो जरूरी बात है कि जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको हम ठीक से सुन पाए, उन शब्दों के अर्थ में जा पाए, फिर उसको स्वयं हम जांचें, है ना, जी कर देखें। और इसी क्रम में ये बात कई बार निकल कर आई है कि हमारी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो विचार विचार में ही काम होता रहता है। तो भागीदारी ये ना काम विचार विचार में ही हो रहा है, तो हम सोसाइटी में और हम अपने रिलेशनशिप में उसको, उस प्रैक्टिस को लेके आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो इतना ज्यादा हम लोगों ने अजम्पशंस अपने उसमें पक्की कर रखी हैं, उसको इरेज करना ऐसे लग रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, क्योंकि हम बहुत लाइफ इतनी बिजी है उसमें उन चीजों का ध्यान ही नहीं जाता। जी, तो इसलिए जो अवसर है भागीदारी के ना, जहाँ आप कुछ मानव लक्ष्य के अर्थ में भागीदारी कर सकते हैं समाज की व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में, तो भागीदारी का मतलब ये नहीं कि अभी जिन मान्यताओं के आधार पर हम संबंधों का निर्वाह कर रहे थे फिर फैल क्रम करने लगे। भागीदारी का मतलब कि ह्यूमन टारगेट, ह्यूमन गोल के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में हम क्या भागीदारी कर पाते हैं, शिक्षा संस्कार योजना में क्या भागीदारी कर पा रहे हैं, ना समाज की व्यवस्था में क्या भागीदारी कर पा रहे, उसको हम बढ़ाएंगे तो उससे हम अपने अंदर दबी हुई मान्यताओं को भी देख पाएंगे। देखिए अभी आप परिवार में बैठकर किसी का गुस्सा कर गए, अगला व्यक्ति तो आके बता नहीं रहा है, आप बताएंगे तो पता चलेगा। जब टीम में काम कर रहे होते हैं तो हमारे एक एक भाव विचार का व्यक्ति मूल्यांकन करता है दूसरा, उससे हमारा ध्यान आकर्षण होता है, उससे हमारे अंदर एक इच्छा भी निर्मित होती है कि अब मुझे अपने ऊपर गंभीरता से काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए नहीं तो फिर वो आराम आराम से एक कोने में बैठ के हम कुछ करते रहते हैं, विचार ही चलता रहता है, उससे कुछ निकलता नहीं है। बिल्कुल सही सर, यही चल रहा है। जी जी, बढ़िया दीदी, उससे हम निकल पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी निकल पाएंगे, थोड़ा भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है, टीम के रूप में जुड़कर काम करने की, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम करने की जरूरत है, वो हम थोड़ा सा भी शायद उसको भी ठीक से नहीं देख पा रहे। देखिए उन लोगों की गति अच्छी बनी जिन लोगों ने जिम्मेदारियां स्वीकार ली, भागीदारी से भी आगे बढ़ के भाई ये काम हमको करना है और ये ठीक काम है, सही काम है, तो आप पाएंगे कि उन लोगों की गति बनती चली जाती है जो भागीदारी भी करते हैं और जिम्मेदारियां भी स्वीकार लेते हैं, ये काम हमारा है। उस तरह की जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो फिर जो संबंधों में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसको लेकर हम अपना मूल्यांकन करते हैं, अपने भाव का मूल्यांकन करते हैं, है ना, फिर हम गंभीरता से अपने ऊपर काम करते हैं और ये बात और स्पष्ट होती है कि मेरे परिमार्जन के साथ ही मेरे आसपास के लोगों में परिवर्तन हो पाएगा। जी जी, मेरे परिमार्जन के साथ ही समाज में परिवर्तन हो पाएगा। तो आप आएंगे ज्यादातर समय भी हम लोग आशा के स्तर पर जीते हैं, है ना, कि दूसरा कुछ ऐसा हो जाए, समाज ऐसा हो जाए, परिवार ऐसा हो जाए, सुविधाएं ऐसी हो जाए, और ये होता है आशा के स्तर पर जीने का, है ना, बहुत गहरा अभ्यास है और सबसे निचला स्तर है जीने का, उसे ऊपर जाते तो विचार करते हैं कि कैसे ठीक हो जाए चीजें, है ना, वो चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलने लगे, इस आशा से हम घूमते हैं, फिर वो तो उसके ऊपर और जाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो इच्छा के स्तर पर जीते हैं जहाँ हमको भाव पकड़ में आते हैं, है ना, भाव के साथ हम जुड़ते हैं, भाव के साथ निर्वाह करने की सोचते हैं, तो ये वाले काम में भी गति लगता है, वो समय लगता है। तो हो सकता है अभी आशा के स्तर पर हम कई बार जी रहे होते हैं, फिर ऊपर उठ के थोड़ा विचार तक जी पाते हैं, बट विचार से काम चलता नहीं जब तक भाव न दिखाई दे और भाव में परिमार्जन न हो पाए। तो जो छटपटाहट है वो इसलिए है क्योंकि अभी विचार तक पहुंच पा रहे, भाव तक नहीं पहुंच पा रहे, इस पे काम करना है। जी सर, बढ़िया दीदी, धन्यवाद सर। तो जो गृह कार्य है स्टेप 4 को लेकर, शरीर के किसी भाग में संवेदना को देखना है, जैसे खुजली हो रही है, गुदगुदी हो रही है, दर्द है, कंपन है इत्यादि, और ध्यान देना है कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है,
इसी प्रकार से शरीर के दूसरे भागों में संवेदना को देखना है, इस अभ्यास को दिन भर करना है। तो आज असाइनमेंट के रूप में ये रहेगा कि कल भी हमने इसको लिया था बट एक मोटे मोटे तौर पे लिया था, अब जरा सा आप संवेदनाओं को भी पहचानिए। शरीर में देखिए तो कहीं कंपन हो रहा है, कहीं स्फुरन हो रहा है, कहीं खुजली है, कहीं है ना गुदगुदी है, कहीं खिंचाव है, कहीं दबाव है, ये सबको हम देखें और उसके साथ हम उसके साथ अपनी दूरी को देखें। परंपरा में विपश्यना नामक एक अभ्यास रहा है, इसमें संवेदना को ध्यान से देखने का अभ्यास किया गया है, उसमें समय भी लगाते हैं और उस तरह का एक अभ्यास हमारे में बन जाए कि अलग से हमको बैठना ना पड़े, हम अपने आप में आराम से भी इसको देखते रहें, है ना। अभी शुरुआत में कहीं अलग से बैठ के करें, फिर चलते फिरते दिखाई देगा तो संवेदना भी दिखाई देती है। संवेदना की और सेल्फ की दूरी तो कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आपने अभ्यास कराया ना, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को क्लियर हो रहा कि सेल्फ और संवेदनाओं में वाकई में बहुत ज्यादा दूरी है। तो सेल्फ अपने तरीके से अगर राइट अंडरस्टैंडिंग से ना करें, अभी हड़बड़ी ना करें, है ना, ये हो सकता है सिर्फ विचार में ही लग रहा है, उसको और ऑब्जर्व करें, है ना, उसको थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करें तो सेल्फ और सेंसेशन के बीच की दूरी है और क्लियर होगी। ठीक है दीदी? जी जी धन्यवाद जी, बढ़िया दीदी। तो इसको हम आज और अभ्यास करें, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को चुन लें, वहां होने वाली संवेदना को देखें, उसके साथ अपनी दूरी को देखें, है ना। और आगे स्थिति बन सकती है कि शरीर, पूरे शरीर को ही हम संवेदनाओं के समुच्चय के रूप में देख पाते हैं कि शरीर के हर अंग में संवेदना ही हो रही है और मैं उससे दूर हूं, मैं उससे बाहर हूं, है ना, शरीर में हो रहा है मुझ में नहीं हो रहा है, ये स्थिति बन सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग इस पे आज बारीकी से काम करें और स्टेप फोर पे कुछ प्रश्न है ले लेते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। भैया अच्छा डिस्कशन चल रहा है, कल का ही कंटिन्यू हो रहा है, तो हमने, मैं और मेरे प्रिंसिपल सर ने कल एक अच्छा UHV रिलेटेड जो आपने सोसाइटल भागीदारी या संवेदना बताया, हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों ने क्या किया, वो बंक कर दी क्लास, मतलब टेस्ट के बाद, तो उनकी हमने जैसा एक संवेदना होती है कि उनको दंडित करने की संवेदना प्राचार्य साहब महोदय ने बताई। यही रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ये संवेदना नहीं है, संवेदना मतलब, रुके रुके रुके, उसको क्लियर कर लीजिए, तो भागे सारी बात कंफ्यूजिंग होगी। ये आपके अंदर भाव विचार हुआ, संवेदना नहीं है, संवेदना तो शरीर में होने वाली क्रिया को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको कह रहा हूँ, वो सेल्फ के रिलेटेड हो गया ये, इसको हम सोसाइटल भागीदारी की अभी जो बात चल रही थी ना, तो हमने क्या किया, मैं UHV का इफेक्ट बता रहा है, एक मिनट में बता दूंगा। तो दंडित करने के बजाय उनको हमने जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है हमारे कॉलेज में, तो मैंने अपना एक प्रस्ताव रखा हमारी मीटिंग में, तो बोला इनको दंडित करके 100 रुपए 200 रुपए लेके या उनको फाइन करके फायदा नहीं है, लेकिन एज ए UHV कॉलेज या UHV चलाने वाले लोग समझ के हम वो बच्चों के लिए एक डायरेक्ट एक फरमान निकाल लिया कि आपने ये काम करना है, उनको डायरेक्ट वाटरिंग, एक पानी की बॉटल लाइए 2-3 लीटर की और उसमें होल करके वो उसको प्लांटेशन को डेवलप कीजिए। तो भैया ये तो एक अच्छा, मैं मानता हूँ सोसाइटल भागीदारी हो गई ना, या जो भाव उनके मन में क्या है, वो बच्चे उनके मन में चाट मारने की भावना है या उनको अटेंड करना नहीं है, तो हमने उसको दंडित करने के बजाय एक अच्छा समाज में जो अच्छा उनको आदत लग जाएगी, तो ये प्रयास किया भैया, ये मुझे ऐसा शेयर करने के लिए लग रहा था इसलिए मैंने बता दिया। जी जी भैया इसमें कुछ फायदा हो रहा है? जी भैया प्लीज। हाँ ठीक है, तो एक तो अच्छी बात है कि इस तरह के जब हम प्रोग्राम बच्चों को देते हैं तो बच्चे एनकरेज होकर उसको करते भी हैं। जी जी। और साथ में बैठे उनके साथ बैठ के चर्चा भी करें, ऐसा ना हो कि इसमें दंड का स्वरूप रह जाए, है ना, इसको हम उनके साथ चर्चा भी करें कि क्लास क्यों बंक कर रहे हैं, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, और हम भी ये देखें क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं कितना उपयोगी है बच्चों के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं यहीं पे आ गया है कि तुम UHV को ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दो, उनको थ्योरी में बैठ के अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो वो पेड़ को आके पेड़ पौधों में घुमाओ तो वो काम करेंगे ना। नहीं नहीं रुके रुके, अब थियरी किसकी कह रहे हैं, UHV की थियरी की बात कर रहे हैं? नहीं UHV की नहीं, नहीं 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 भैया बिल्कुल नहीं बिल्कुल, मैं जनरल मतलब वो कुछ, हाँ रेगुलर वाला जो था, रेगुलर में अगर क्लास बंक करते हैं उनका एटीट्यूड अगर ऐसा है किसी और सब्जेक्ट के लिए, उनको ज्यादा स्ट्रेस हो गया पूरे प्रोग्राम का,
तो उनको फ्री करने के लिए अगर ये UHU के माध्यम से या फिर ये दंडित करने का एक इनोवेटिव तरीका मैं बोल रहा हूँ उसको, इससे हम लोग कर लेते, पेड़ लगवाना, उनसे पानी डाल लेना, वो झाड़ को उनका खुद का नाम देना आखिरी तक 4 साल उनको याद रहे, तो इस तरह का हम थोड़ा सोसाइटल क्या बोलते भागीदारी का सोच रहे या कर रहा हूँ मैं। बढ़िया भैया जी, भैया जी नमस्ते, भैया जी थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया मेरा एक वो था, छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे आप सेल्फ और बॉडी के डिस्टेंस, सेंसेशन के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसका कोई एक एग्जांपल आप बता सकते हैं कि कैसे हम उसको देख सके? जैसे दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, एक संवेदना आप तक पहुंच रही है। अगर मैं इस बात को बारीकी से ना देखूं तो ये दांत में जो दर्द है उसको हम अपना दर्द मान लेते हैं, है ना, और उससे प्रभावित हो जाते हैं। बट दांत में दर्द हो रहा है तो आपको दिखाई दिया कि दांत में कुछ क्रिया हो रही है, उस क्रिया के आधार पर आप तक सूचना आ रही है और आप उसे जिस रूप में रिसीव कर रहे हैं वो आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसे निकलना चाहते, इसी से आपको दर्द कह रहे हैं। संवेदना है तब कोई दिखाई दे कि दांत में कोई संवेदना हो रही है, मुझ में नहीं। अच्छा जी, मतलब बॉडी के किसी अंग में या किसी पार्ट में जैसे कुछ भी पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो मतलब वो वहां हो रहा है, हमारे सेल्फ में नहीं हो रहा, ना कि मुझ में। जी ना कि मुझ में। अच्छा, तो ये डिस्टेंस है भैया, मतलब सेंसेशन और सेल्फ के बीच में। हाँ, वैसे को अनुकूल संवेदना हो रही है, है ना जी, कोई सद्बुद्धि हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, उसमें भी शरीर में संवेदना हो रही है, उसको हम देख सकते हैं कि वो भी मुझसे दूर है, मुझ में नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको देख पाने से जो शरीर से मिलने वाली संवेदना से हम सुख पाने की आशा लगाकर प्रभावित होते हैं, उसका हम ठीक से मूल्यांकन कर पाते हैं। जी भैया, हाँ जी भैया, आप समझ में आ गया, मतलब मैं वो कोरिलेट नहीं कर पा रही थी इस चीज को ना, कि मतलब डिस्टेंस किस सेंस में, मतलब हम देखें कि किस तरह से डिस्टेंस है। धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी, तो समय हो चला है। धन्यवाद भैया, आज के लिए इतनी बात की, तो क्या हम रुक सकते हैं? जी भैया, रोक लेते हैं, आज के लिए असाइनमेंट यही रहेगा, शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में संवेदना को देख कर उससे अपनी दूरी को देखना है। बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।